आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। हार्दिक भाई डर का माहौल है, हार्दिक भाई नया नया ऑलराउंडर आया और मैन ऑफ द मैच ले गया, वो भी बिना लंगड़ाए, क्योंकि हमारे दुबे भाई को पैरों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बिना फुटवर्क के ही छक्के मार देते हैं। ओ बस्कर भाई, तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? एक जमाने में किसी महापुरुष ने कहा था, उस दिन तो माइक में ये सुनहरे शब्द कैद हो गए थे, कल जो हुआ है रोहित भाई का फेस म्यूट पर देख के भी सबको समझ आ रहा था कि रोहित भाई कहना क्या चाह रहे हैं। अबे कहाँ ध्यान है तेरा यार, रोहित भाई मेरी सारा ने थाना थाया, हट बहनचोद। रोहित भाई ने बेचारे ने 14 महीने के बाद T20 में कमबैक किया था ये देखने के लिए। गिल्लू भाई मेरे इतने डर गए, 23 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान के डगआउट में जाके बैठना पड़ा उनको। पर लोग इनके कमेंट सेक्शन में जाके बैठ गए, वहाँ गड़बड़ हो गई। गिल्लू भाई यार डेंजर एंड पर तो रोहित भाई थे, फिर तुम क्यों नहीं भागे? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। रोहित भाई को स्टार्टिंग की दो बॉलों में ही समझ में आ गया था कि जयसवाल से ही ओपनिंग करवानी चाहिए थी। जयसवाल भाई को भी अच्छी होप दी यार इन्होंने कि T20 आ रहा है, रोहित के साथ ओपनिंग करेगा ना, चल अच्छा सा एक पोज करके दिखा। हाँ चलो शाबाश, आज से तुम इंजर्ड। भैया नहीं खिलाना था तो हमें सीधा सीधा बता देते, ये कैसी इंजरी बता के बाहर किया हमें? राइट सोर ग्रोइन, टाइट टट्टा सूख गया हमारा। नहीं हमारे गांव में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, क्रिकेट खेलने गए थे टट्टे सूख गए? ऐसी बीमारी तो बताओ यार जिसके बारे में हमें पता हो कुछ। 22 साल के हैं हम और 70 साल की बीमारी बता रहे हैं ये लोग। ब्याह भी नहीं हुआ हमारा, लड़की का रिश्ता आएगा तो बोलेगी रहने दो तुमसे ना हो पाएगा। सोर ग्रोइन के शिकार, भैया हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही है, ये हुआ कब हमें? हालांकि जब इसका हिंदी में मीनिंग आता है तो लिखा हुआ आता है दाहिनी कमर में दर्द, पर यार ये सारे फोटो तो वही वाले आ रहे हैं। और मतलब ग्रोइन का मतलब यार, जब ग्रोइन गार्ड का मतलब ये होता है तो वही होगा ना। जयसवाल भाई मैं तो ना सहता, बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, सब चल जाता, अरे कॉन्स्टिपेशन हो गया बोल देते यार, पर ये सोर ग्रोइन नहीं जमा मेरे को बिल्कुल। सोर राइट ग्रोइन सुन के तो भाई मेरे एक बार को आंसू निकल गए कि जयसवाल भाई की उम्र ही कितनी थी यार, उनके साथ ये सब नहीं होना था, बाद में पता चला बकचोदी है ये सब। एक तो यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा, जब भी मुकेश कुमार बॉलिंग पर आता है ये विमल के एड्स इतने ज्यादा क्यों आने लगते हैं? इन्होंने मुकेश भाई को वो PVR वाला मुकेश तो नहीं समझ लिया है? ढेर सारा पैसा लेकर लगाई मुंबई इंडियंस में आग, शिवम दुबे की चड्डी में बड़े बड़े नाग, छू लियो लियो लियो, ये सब करने लगे हार्दिक भाई जब से एक ऑलराउंडर को मैन ऑफ द मैच क्या मिला। वो तो यार जब तक रिंकू सिंह हमारे बैटिंग ऑर्डर में नीचे आते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कितना भी टारगेट हो रिंकू आके कुछ ना कुछ जादू करेगा और जिता देगा। स्वैग अलग है, जैसे संजू बाबा का भी एक अलग ही स्वैग है, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि ये बेंच पर बैठे रहते हैं फिर भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे होते हैं। भाई की फैन फॉलोइंग, लोग गुस्सा होने लगते हैं भाई नहीं खिलाओ तो। संजू सैमसन इज ड्रॉप्ड अगेन फॉर तिलक वर्मा, पॉलिटिक्स एट हिज पीक इन इंडियन क्रिकेट। वॉशिंगटन सुंदर भाई भी हमारे आए थे पूरा ट्रेविस हेड बन के, पूछे थोड़ी सी पतली रह गई बस। वैसे यार अगर तुम लोग को रोहित भाई वाला रनआउट का वीडियो देखना है तो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, तने 100 डालोगे तो आ जाएगा। और ये वीडियो में तुम नोटिस करना, रोहित भाई का जब स्क्रीन पे बता रहे थे ना बड़ी स्क्रीन पे उन्होंने गाली दी है तो रोहित भाई बाद में ऐसे मुस्कुराने लग गए थे, अरे यार मैं ही था क्या वो। तो जाके चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अभी चलते हम लोग मीम्स में मामा रिव्यू की तरफ। हार्दिक पांड्या वेल डन एजेंट गिल, ये हार्दिक भाई का कुछ करना पड़ेगा यार रोहित भाई, ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का क्या? गिल ने ना भागकर अपनी औकात दिखा दी। गिल्लू भाई थोड़ी सी इज्जत कर लेते यार, एक इंच भी नहीं हिले, कम से कम रिस्पेक्ट में ही 2-3 इंच आगे बढ़ जाते फिर भले पीछे आ जाते। नॉन स्ट्राइकर ने पीछे मुड़कर बॉल नहीं देखना चाहिए, माफ कर दूं इसे जिसे क्रिकेट के बेसिक रूल भी नहीं पता। कंट्रोल रोहित भाई कंट्रोल, सीन्स एट द स्टेडियम राइट नाउ, अरे ये किसका बैट गिर गया है लेके जाओ, इतना फॉग हो रहा था भाई मेरे को लग रहा है गिल को रोहित भाई आते हुए दिखे नहीं होंगे इसलिए रन आउट हो गए। जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंचे होंगे तब देखा होगा अरे रोहित भाई आप रन भाग रहे थे क्या। कैप्टन को रन आउट करा दिया, आप संडे को कौन सा स्पैज़म से बाहर होऊंगा, नेक स्पैज़म बैक स्पैज़म ये क्या खुदा, कहीं ग्रोइन स्पैज़म क्या लगा रखा, स्पैज़म 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 भाई क्या नई नई चीजें आ गई है यार आजकल, बुखार उखार नहीं आ रहा क्या आप किसी को। रोहित शर्मा टू शुभमन गिल आफ्टर द मैच, तू थोड़ा सा बहन का लाडला है क्या, सचिन भाई के कारण हो रही है ये रिस्पेक्ट, मैं बता रहा हूँ अभी तक 2-3 बैट लग चुके होते हैं पिछवाड़े में। शुभमन गिल एट नॉन स्ट्राइकर एंड, भाई साहब पता नहीं किसके ख्याल हो,
ख्याल तो एक ही के आते हैं गिल भाई को, वैसे खोए हुए थे भाई, एक इंच आगे नहीं बढ़े। सचिन पाजी के कारण कुछ बोल नहीं सकता इस बैंक के लौटे को। शर्मा जी मैं बता रहा हूँ, जब भी शर्मा जी और कोहली भाई खेलते हैं ना भाई, कंटेंट की कमी नहीं होती। आओ रोहित भाई T20 कैप्टनसी में कमबैक करो। यार मानना तो पड़ेगा हार्दिक भाई को काला जादू तो आता है कुछ न कुछ, मंत्र वंतर। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल इन ड्रेसिंग रूम, मेरी बेल्ट किधर है सर, प्लीज माफ कर दो प्लीज सर। रोहित शर्मा फर्स्ट गेम विद किंकू सिंह, लकी रोहित शर्मा। देख रहे हो भाई लॉर्ड रिंकू ने इज्जत बना रखी है आज तक। रिंकू सिंह प्लेस फॉर माय कंट्री, इट्स एन ऑनर, एरोगेंस, प्रिविलेज एंड फ्लेक्स। आहा रिंकू भाई की भाई इज्जत है और किसी की नहीं है। एक था जो दूसरों के लिए अपना विकेट सैक्रिफाइस कर देता था, सूर्या भाई। मेरे को तो लगता है यार सूर्या भाई को ओपनिंग करानी चाहिए T20 में, मौज ला देंगे। पावर प्ले का पूर्ण उपयोग कोई इनसे सीखे। आप कहे रही हो शिवम दुबे टू हार्दिक पांड्या, न्यू ऑलराउंडर इन द टाउन बॉयज। रिंकू सिंह धोए बड़े आराम से और भाई इतनी कंसिस्टेंसी से धो रहे हैं ना, मतलब एक आध मैच फ्लॉप हुए होंगे इतने सारे मैचों में बस। अर्शदीप सिंह इन रिमेनिंग अवर्स, अर्शदीप सिंह इन 19th एंड 20th अवर, हमें नहीं करना साहब, हमें नहीं करना। नॉट द मैंगो सीजन बट स्टिल दे आर इन डिमांड, नवीन उलट। कल तो बच गए बाबू भैया नवीन भाई, वरना रोहित भाई ऐसी सुताई करते ना याद आ जाती इनको। एक है जो बिना खेले दूसरों का डाउनफॉल करवा देता है, हार्दिक भाई मंत्र हमें भी सिखा दो, बहुत ही खतरनाक हो रहे ले। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सितापाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और स्पाई को मत भूल जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, बहुत मस्त मस्त मीम्स आते रहेंगे। और आवाज तुम लोग देख ही रहे हो भाई कैसी हो गई, पूरा गला खराब है, सर्दी वर्दी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।